हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में मैं आज बनाऊंगी हैदराबादी स्टाइल बिरयानी यानी दम बिरयानी। और ये हैदराबाद की बहुत ही यम्मी और टेस्टी बिरयानी बनके तैयार होगी। इसे आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और एकदम इसे लेयर वाली बिरयानी भी कहते हैं। और बहुत अच्छी सी ये जायकेदार चटपटी सी बिरयानी बनके तैयार होती है। चावल भी एकदम खिले खिले होंगे। तो देखिए, हैदराबादी स्टाइल बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम बड़े का गोश्त लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। और इसके जब मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं तो मैं 2 ग्लास यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ले रही हूँ। आप कोई से भी वैरायटी के जो चावल हैं यानी राइस हैं वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर चावलों को अच्छे से वॉश करके इन्हें भिगो के रख दूँगी पानी में। इससे चावल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चावलों को पानी में भिगो के रख दिया है। और अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे गोश्त को जो है, अब मैंने प्रेशर कुकर में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। और मैं यहाँ पे 3 से 4 फुल साइज़ की प्याज को एकदम मैंने फाइनली स्लाइसेस में कट करके ऐड कर दिया है। यहाँ पर प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक एकदम अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती हैं, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को एकदम क्रिस्पी करके फ्राई करना है हमें। तो देखिए, प्याज जो है पहले से काफ़ी क्रिस्पी होकर फ्राई हो गई है। अब थोड़ा सा और मैं इसको मिक्स करते हुए पलटते हुए फ्राई कर ले रही हूँ। अब बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका आ गया है और मैं सारी प्याज को इसमें से निकाल ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने सारी प्याज जो है इसमें से निकाल ली है। अब यहाँ पर मैं गोश्त की बोटियाँ भी ऐड कर दे रही हूँ ऑयल में। तो देखिए, मैंने सारी गोश्त की बोटियाँ यहाँ पर ऐड कर दी हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे गोश्त को 2 मिनट के लिए भून लूँगी ऑयल में। इससे जो गोश्त में स्मेल होती है वो भी निकल जाती है और टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और इसके बाद मैं यहाँ पर बाकी के सारे मसाले भी अभी ऐड करूँगी। जैसे 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है मैंने और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करूँगी। पहले मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर और इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। और अब मैं यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप टमाटर भी ज़रूर ऐड करें। इससे जो है बहुत ही अच्छा सा कोरमा जो है बन के तैयार होगा। टमाटर को भी मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है और सारे मसालों को अच्छे से हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे। तो मैं यहाँ पर पानी भी ऐड कर दे रही हूँ ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भून जाएं और जले भी नहीं। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून दही। दही भी मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है गोश्त को गलाने के लिए। और मैं गैस की फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे 8 सीटी लगा लेंगे हम। मीडियम फ्लेम पे 8 सीटी में जो गोश्त है एकदम परफेक्टली गल गया है। तो देखिए, मैंने 8 सीटी लगा ली है इसमें। तो हमारा जो कोरमा है वो बन के तैयार हो गया है। इसको मैं साइड कर दे रही हूँ। अब हम चावलों की तैयारी करते हैं। बिरयानी के लिए चावल बनाएंगे। देखिए, जो मैंने फ्राइड अनियन जो निकाली थी, मैं वो फ्राइड अनियन भी इसमें से थोड़ी सी फ्राइड अनियन जो है कोरमे में ऐड कर दे रही हूँ। अगर आप कोरमे में नहीं ऐड करना चाहते तो जब बिरयानी को मतलब हम लेयर लगाएंगे तब भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो कोरमे में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर यहीं पर ऐड कर दी हैं 2 फ्राइड अनियन। और मैं इसे कवर करके साइड में रख दे रही हूँ।
तो देखिए हम चावलों की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून ज़ीरा, 3 से 4 तेज पत्ते, 2 से 3 काली मिर्चें, 1 इलायची और मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच भर के नमक ऐड कर दिया है और 1 दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड किया है गरम मसाले में। और अब जो चावल थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। चावलों को ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसको ऐड रहने देंगे, खुद ही जब ये उबाल आएगा तो मिक्स हो जाएंगे चावल और नमक जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए जब 80% तक चावल बनके तैयार हो गए हैं, यानी हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट मैंने पका लिया है, चावल तैयार हैं। अब चावलों को मैंने साइड कर दिया है, कोरमा भी हमारा एकदम परफेक्टली बना हुआ ही है। तो अब बस मैं यहाँ पर लेयर लगाऊंगी। तो देखिए मैंने लेयर लगाने के लिए एक देग ली है और मैंने गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर दिया है और अब मैं यहाँ पर चावलों की एक लेयर लगाऊंगी सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले आपको चावल ऐड कर देने हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से, चावल जो है एकदम फैला के ऐड करने हैं पूरे में। तो देखिए चावलों की एक लेयर जो है हमने यहाँ पे लगा ली है, बस चावलों को थोड़ा सा फैला लेना है। इसके बाद हम ऊपर से कोरमे की एक लेयर लगाएंगे, जो हमने कोरमा बनाया है वो कोरमा। तो देखिए कोरमे की जो है एक लेयर बिल्कुल तैयार हो गई है। फिर दोबारा से हम चावलों की एक लेयर लगाएंगे। इससे जब हम चलाएंगे तो टूटेंगे नहीं चावल, क्योंकि बीच बीच में कोरमा रहेगा तो ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसलिए हम यहाँ पर 2 लेयर लगा रहे हैं। तो देखिए दोबारा से भी हम उसके ऊपर एक कोरमे की एक लेयर लगा रहे हैं, यानी टोटल लेयर जो होगी यहाँ पे 2 हो गई। और बस हम इसी तरीके से अब चावलों पे ऐड करेंगे एकदम फ्रेश फ्रेश धनिया। अब मैं यहाँ पे केवड़े एसेंस की 3 से 4 ड्रॉप्स जो है ऐड कर रही हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और केवड़ा वाटर है अगर आपके पास तो 1 टीस्पून ऐड करें। और इसके बाद मैं यहाँ पे 2 पिंच रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर है तो आप ऑरेंज फूड कलर, या फिर अगर आपके पास कोई फूड कलर नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता, बस बिरयानी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पर दम लगा लूँगी। दम लगाने से चावल सॉफ्ट हो जाएंगे, खुशबू जो है केवड़े एसेंस की पूरी बिरयानी में अच्छे से ऐड हो जाएगी और यहाँ पे फूड कलर जो है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए हमारी हैदराबादी स्टाइल दम बिरयानी बनके तैयार हो गई है। आप भी इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी है, बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।